खुशी के साथ देखते रहिए खबर पर नजर और इंदौर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए। शान भरा चेहरा जिसे हम आजकल MDS के विज्ञापनों में देखते हैं, ज्योति जी गुलाटी, आप सभी का बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। जी गुलाटी एवं उनकी पत्नी चानन देवी जी गुलाटी ने, और ये मसाले की दुकान का नाम था महाशयादी हट्टी, जो कि MDH का फुल फॉर्म है महाशयादी हट्टी। हम सबके प्रिय, हम सबके बहुत आदरणीय पद्म भूषण महाशय धर्मपाल जी हट्टी, महाशय धर्मपाल जी गुलाटी जवान, महाशय धर्मपाल जी हट्टी भारत पधारे। उनकी जेब में महज चंद रुपए थे, जिससे किसी उद्योग की शुरुआत नहीं की जा सकती थी, तो उन्होंने तांगा खरीदा और तांगा चलाने के साथ उन्होंने अपने उद्योग की शुरुआत की। लेकिन बुलंद इरादे थे, हौसला था, जज्बा था, जुनून था, जोश था, तो महाशय धर्मपाल जी हट्टी जी ने, महाशय धर्मपाल जी गुलाटी जी ने दिल्ली में उसी नाम से, महाशयादी हट्टी नाम से दुकान की शुरुआत की, MDS की शुरुआत की, और धीरे धीरे जैसा उनका जुनून था उसे साथ मिला ईश्वर का, उनकी ईमानदारी के साथ मिला, स्वाद लोगों को पसंद आया और MDS ग्रुप लगातार आगे बढ़ता गया। एक राज्य, दो राज्य, एक फैक्ट्री, दो फैक्ट्री, अनेक फैक्ट्रियां होते हुए देश का नंबर वन ब्रांड बन चुका है। MDS समूह के ऐसे जो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हमारे बीच हैं, महाशय राजीव जी गुलाटी, हम आपका औपचारिक स्वागत करना चाहते हैं। इम्प्रूव करेगा, नीचे जाने की कोई विचार ही नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। देश का स्थान और महत्वपूर्ण हो गया है, आपने मध्य प्रदेश में फैक्ट्री लगाने की भी मंशा जताई, हम चाहते हैं कि हम जोरदार तालियों के साथ में हमारी शुभकामनाएं व्यक्त करें कि MDH उद्योग समूह शीघ्र ही, अतिशीघ्र यहाँ पर अपनी फैक्ट्री के साथ में एक, विशेषकर गांधी जी के विचारों पर लिखी गई जो पुस्तक है वो भेंट करें। आप सबके सामने होनी चाहिए इस अवसर का स्मृति चिन्ह। और MP का दिल इंदौर शहर है, तो आई थिंक इससे बेहतर और कौन सी जगह हो सकती है जहाँ पे नई फैक्ट्री लगाई जाए। कंपनी के तौर पे देखा जाए तो ये इतना सेंट्रली लोकेटेड है कि इसे सारा जितना जो वेस्टर्न इंडिया है सारा से कवर होता है, और साउथ में भी यहाँ पे ये जो साउथ का दरवाज़ा भी यहीं से खुलता है, और इसीलिए इंदौर की जो जगह है वो चूज़ की गई कि यहाँ पे एक फैक्ट्री लगाई जाए। आज शुरू में तो हम अभी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में यानी कि अगले 2 साल में यहाँ प्रोडक्शन का यूनिट भी लगेगा। सर, जैसा कि MDH मसाला देश की सेवा में हमेशा तत्पर रहा है, तो इंदौर शहर में क्या लोकल्स को रोज़गार मिलेगा MDH की फैक्ट्री से? हमारी जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे कम से कम जो 60-70% जो रोज़गार होता है वो लोकल लोगों को जाता है। कुछ स्पेशलाइज इस प्रकार के कोई फील्ड्स होती हैं तो वो लोग जो हैं वो फिर अपनी स्पेशलिटी के कारण चूज़ किए जाते हैं, अन्यथा जितनी भी, क्योंकि मसाला उद्योग एक लेबर ओरिएंटेड जॉब ज़्यादा है, तो जितनी जो रोज़गार जो दिए जाते हैं वो 60-70% जो है लोगों को जाता है। मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि इंदौर की फैक्ट्री में किस तरह के विशेष मसालों का उत्पादन किया जाएगा? अभी हमारा फोकस जो है वो अपने जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं पे है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इंदौर से साउथ इंडिया का भी कवरेज हो सकती है और प्रोक्योरमेंट भी यहाँ पे आसान है, उस केस में हो सकता है कि और नए मसाले भी इंट्रोड्यूस किए जाएं। और हमेशा जो कंपनी जो लोकल मसाले भी बनाती है अपने जो जो कंट्री वाइड सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं उसके अलावा, तो वहाँ पर उस क्षेत्र में एडवांटेज भी मिलता है। ठीक है सर, धन्यवाद।